क्या आरजेडी के विधायक और नेता ही लालू तेजस्वी की लुटिया ले डूबेंगे? आप याद करिए, शुरुआती दौर से पहले मास्टर कार्तिकी को कानून मंत्री बनाया जाता है, वो जो है कहीं ना कहीं फंस जाते हैं मामले में, उनसे इस्तीफा लेना पड़ता है। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री सरीके से बयानबाजी करते हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात कर लीजिए, वो रामचरित मानस को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हो जाती है, और अंत में प्रोफेसर चंद्रशेखर को नीतीश कुमार के चरणों में झुकना पड़ता है। और अब एक और आरजेडी के विधायक हैं बोचहा से, जो पहले वीआईपी पार्टी में जिनके पिता थे मुसाफिर पासवान और बकायदा अमर पासवान भी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अंततः वो जो है आरजेडी में शामिल होते हैं। अमर पासवान पर एक बड़ा आरोप लगा है, जमीन के मामले में धांधली का आरोप लगा कि कोई पासवान ही है, गलत तरीके से उनकी जमीन को लिखवा लिया है, और ये मामला बकायदा कोर्ट में पहुंच गया, और इसको लेकर बकायदा अब कोर्ट में जो है सुनवाई भी होनी है 20 अप्रैल को जिला न्यायालय में। तो कुल मिलाकर कहें तो ये मौका बीजेपी को मिल जा रहा है। बीजेपी ने अपने पोस्ट के जरिए इसे कहा कि देखिए, आरजेडी विधायक की कारगिस्तानी कि कैसे गलत तरीके से किसी की जमीन लिखवा लेते हैं, और जब जमीन लिखवाने का मसला आता है तो फिर कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को मजबूत करता है कि लालू यादव पर आरोप लगता रहा है कि कैसे रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बाकायदा जो है उन्होंने गरीब लोगों की जमीनें ले ली। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये वक्त आने पर पता चलेगा जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि अमर पासवान जिस मामले में फंसे हैं, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होते हैं तब तक ये जो है आरोप उन पर लगता रहेगा, और बीजेपी इसका फायदा भी उठाएगी। तो क्या आरजेडी के नेता जो हैं वो खुद लालू तेजस्वी की लुटिया डुबो देंगे? इसके पहले आपको याद होगा कैसे जो लालू यादव के भतीजे हैं उन पर पटना में बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप लगते हैं। तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर हमलावर होगी कि कैसे, देखिए आरजेडी के जो विधायक हैं उनके नेता हैं या लालू तेजस्वी के करीबी हैं, वो कैसे जो है गलत कामों में लिप्त हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की खबर आती है जहां वाराणसी में एक होटल में उनसे उनको निकाला जाता है कि उनका टाइम हो जाता है, और फिर तस्वीरें आती हैं कि कैसे वो होटल के मैनेजर को अपने चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो बीजेपी को एक हथियार के तौर पर मिलेगा, और आने वाले वक्त में ये आरजेडी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि सच्चाई क्या है, इससे राजनीति में फर्क नहीं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, यानी राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है, अवधारणा का खेल है, और इस मामले में बीजेपी इस परसेप्शन को गढ़ने में कामयाब हो जाएगी कि आरजेडी के लोग जो हैं वो करप्ट हैं या उनमें गलत लोगों की भरमार है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? क्या वाकई में इस तरह के मसलों से बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।